हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके लिए एक और कहानी लेकर। और आज की कहानी का नाम है ज्ञानी के सामने विनम्र रहे। एक बार की बात है, एक बार गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ गांव से दूसरे गांव तक जा रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि गुरु नानक देव जी एक गाँव में पहुंचे और उसके गाँव के अंदर जाने की बजाय गुरु नानक जी ने बाहर ही डेरा लगा लिया। यह देखकर गुरु नानक जी के शिष्य बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। उनके मन में अलग अलग ख्याल आने लगे। इसके बाद जैसे ही गांव के लोगों को पता चला कि गुरु नानक जी ने उनके गांव के बाहर डेरा लगाया हुआ है, वो उनसे मिलने के लिए आए। और जब गांव के कुछ लोग उनसे मिलने के लिए आए तो वो एक ग्लास हाथ में लेकर आए हुए थे, जो ग्लास पूरी तरह से दूध से भरा हुआ था। जैसे ही उन्होंने गुरु नानक जी के सामने ग्लास को किया, गुरु नानक जी ने उस ग्लास के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां रख दी। उसके बाद दूध ज्यों का त्यों रहा और वो सारे जो गांव के लोग थे वहां से चले गए। यह सब देखकर शिष्य फिर से हैरान हो रहे थे। उसके थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि गांव के कुछ लोग आए और उन्होंने गुरु नानक देव को अपने गांव में पधारने का निमंत्रण दिया। तो ये सब बातें देख देख कर जो शिष्य थे वो बहुत ही ज्यादा हैरानी में होते जा रहे थे। जैसे ही गांव के लोग अंदर चले गए, उनके शिष्यों से रहा नहीं गया और उन्होंने गुरु नानक देव से पूछा, गुरुदेव जी आप हमें बताइए कि पहली बात तो आपने अंदर क्यों नहीं वहां पर डेरा जमाया, आप बाहर ही डेरा लगाकर बैठ गए हैं। दूसरी बात यह है कि वो दूध लेकर आए, आपने गुलाब की पंखुड़ियां रखी, फिर वो निमंत्रण देने आए हैं, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कृपा करके आप हमें बताएं। सिर्फ इतना सुनना था कि गुरु नानक देव जी मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत पहले से ही पता था कि इस गांव के लोग बहुत ही ज्यादा ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, इसलिए मैं गांव के अंदर गया ही नहीं और यहां बाहर ही मैंने अपना डेरा लगा लिया है। दूसरी बात जो तुमने पूछी है कि जो वो दूध लेकर आए थे, तो गुरु नानक जी ने अपने शिष्यों से बताया कि इस गांव की ये सांकेतिक भाषा है, वो दूध लेकर आए इसका यह अर्थ था कि वो लोग बहुत ही ज्यादा ज्ञानी हैं और अब वो हमसे क्या ले सकते हैं। वो बातों ही बातों में ये पूछना चाह रहे थे कि हम तो बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, आप हमें क्या दे सकते हैं। तो मैंने दूध के ग्लास के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां रखकर उनको संदेश दिया कि हम आपके ज्ञान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हाँ लेकिन अब तक की जो हमारी समझ बनी है वो हम आपसे साझा करना चाहेंगे और अपने समझ को साझा करने के बाद आपके गांव से तुरंत ही प्रस्थान कर जाएं। सिर्फ इतना सुनना था कि शिष्यों को सारी बात समझ आ चुकी थी। तो इस तरह से गांव के लोगों की इस बात में बात मानकर गुरु नानक जी ने उनका निमंत्रण स्वीकार करा, वहां पे बहुत ही अच्छे से सबसे मिले और उसके बाद धीरे धीरे दूसरे गांव की तरफ बढ़ गए। तो देखा बच्चों और दोस्तों, यह कहानी भले ही आपको पुराने भी लगे अलग भी लगे, लेकिन यह कहानी भी सिर्फ हमें एक ही शिक्षा देकर जा रही है कि ज्ञानी व्यक्तियों के सामने हमें विनम्र रहने की आवश्यकता है। आप हमेशा याद रखें, आपसे जो भी ज्यादा ज्ञानवान है उसके सामने आप विनम्र रहें, जो आपके बराबर ज्ञानवान है उसके साथ शिष्टता का व्यवहार करें और जो आपसे ज्ञान में थोड़ा बहुत तुच्छ है उसके साथ उदारता का व्यवहार करें। याद रखिएगा, ज्ञानियों के साथ विनम्र रहे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।